अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। मेरा नाम अबुजर खान है और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल अबुजर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला कि अगर आप लोग के साथ व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे अकाउंट इज नॉट अलाउड टू यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम, तो दोस्तों आप लोग ने इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर देना है सब कुछ इस वीडियो में। आप लोग ने वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल अबुजर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। जी बिल्कुल दोस्त, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया हूँ और पेज के बाद यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर दिया है और यहाँ पर मेरे साथ व्हाट्सएप पर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप बिजनेस में इसको ओपन कर दिया है तो इसलिए यहाँ पर जो मेरे साथ प्रॉब्लम है वो थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस बी एन फ्राम यूजिंग व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट सपोर्ट फॉर हेल्प। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के साथ ये वाला जो नंबर है वो बैन किया गया है तो इसके नीचे यहाँ पर सपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सिंपली सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। सपोर्ट पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एड स्क्रीन शॉट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग ने वही प्रॉब्लम से एक स्क्रीन शॉट लेना है और पेज के बाद यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन है डिस्क्राइब यूर प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ने एक अपील लगा देना है और वो अपील आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें, मैं यहाँ पर अपील को ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते थे मैंने यहाँ पर अपील को ऐड कर दिया और पेज के बाद दोस्तों लास्ट में आप लोगों ने वही नंबर भी टाइप कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखते मैंने यहाँ पर नंबर भी टाइप कर दिया। इसके बाद दोस्तों, आप लोगों ने वही प्रॉब्लम से एक स्क्रीन शॉट लेना है और पेज के बाद यहाँ पर स्क्रीन शॉट की जगह आप लोगों ने अटैच कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वो स्क्रीन शॉट को अटैच कर दिया और स्क्रीन शॉट को अटैच करने के बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन है, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सर्चिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया इसके बाद यहाँ पर सर्चिंग वाला ऑप्शन आ गया और पेज के बाद दोस्तों यहाँ पर दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रीन पट्टी है तो यहाँ पर आप लोगों ने टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप लोग के साथ तीन ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली जीमेल पर क्लिक कर देना है। जीमेल पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग के साथ फिर से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग का जो भी है वो ऑटोमेटिकली लग चुका है। आप लोग ने यहाँ पर सिंपली सेंड पर क्लिक कर देना है। जब आप लोग सेंड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग का जो अपील है वो सेंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सब लोग ने इसी तरह अपील को 3-4 दिन तक भेज देना है। इसके बाद आप लोग का जो अकाउंट है वो फिर से रीओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी शेयर कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिया है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।